अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं जी डिनर करने मुस्लिम, जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है हमारे करीब ही, और इनका जो खाना होता है ना वो लाजवाब होता है। इसके साथ साथ मैंने जो है ना आई कॉन्टेंट के जो है वो लेने थे लेंजेज, और अपनी ऐनक के ग्लासेस, ऐनक भी एक न्यू लेनी थी, तो बहुत सारे काम थे। तो हम लोग जी ये आ गए हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम पे, और हम लोग लगता है सबसे पहले ही आ गए, लेकिन जब आगे गए तो एक दो फैमिलीज और बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन 8 बजे के करीब। तो यहाँ लोग और ज़्यादा जो है ना वो लेट आते हैं, लेकिन हमें और भी काम थे, तो हम लोगों ने कहा कि पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ इनका जो सबसे मज़े की है ना, वैसे इनका सारे खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो है वो कढ़ाही, मखनी कढ़ाही और पिज़्ज़ा, जो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और इनकी वैसे मलाई बोटी भी काफ़ी अच्छी होती है, पूरी पराठा भी इनका अच्छा होता है। तो ये किसी की बर्थडे है जो है वो सेलिब्रेशन हो चुकी थी, तो ये मेरे बच्चे उसके बाद जो है वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो अब जो है वो हम लोग जो है वो हस्बैंड मेरे गाड़ी पार्क करके आए, तो कहते हैं कि दूसरी साइड चल के बैठते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। और असर को ज़्यादा जल्दी है मेन्यू देखने की, और वो लगता है बहुत स्पीड से देख रहा था। खैर, मेन्यू से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं, तो हस्बैंड कह रहे थे बच्चों से पूछ लें, तो बच्चों ने जो सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा कि जी टिक्का पिज़्ज़ा खाएंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट जो था वो टिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, उसके साथ ही मखनी कढ़ाही जो है थी वो ऑर्डर कर दी। अभी आप क्या खाओगे? आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे। हाँ अली भाई, क्या खाओगे? चिकन कढ़ाई चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक जो है था वो टिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और सेकंडली हमने जो मखनी कढ़ाही ऑर्डर की। बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद था और हम सबको जो है वो कढ़ाही पसंद थी। तो ऑर्डर आने तक ये मस्तियाँ चल रही थी। तो ये जो बच्चा है ये बोर्डिंग से जो है वो इसने घर जाना था, मेरे जेठ का बेटा, तो ये फिर आया था हमारी तरफ, तो इसको भी हम साथ ले आए। तो ये जी आ गया है हमारा टिक्का पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़े का, बहुत चीज़ी, बहुत इसके ऊपर चिकन, और बहुत मज़े का इनका जो है ना वो टिक्का पिज़्ज़ा होता है। इनके सारे खाने ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनका पिज़्ज़ा है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बहुत गर्म था पिज़्ज़ा, तो अभी जो था वो पकाया खाना आने में देर थी, तो पिज़्ज़े के साथ ही अभी हम खा ही रहे थे, तो ये मखनी कढ़ाही आ गई है, और इसकी रूखी रूखी ना बहुत मज़े की, और ये बहुत ही ना टेस्टी किस्म की बनी होती है। इसका फ्लेवर बहुत बहुत ज़बरदस्त है ना, बहुत स्पाइसी होती है ना, फीकी होती है, बहुत परफेक्ट होती है। तो हम लोगों ने जी डिनर विनर किया और खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद जो था वो मैंने जो है वो अपने ग्लासेस लिए और लेंसेज बनने को दी। तो ये मैं रात जब हम खाने पर गए तो थोड़ी सी मैंने शॉपिंग कर ली अपने लिए। ये मुझे चुनरी प्रिंट जो है ना बहुत अट्रैक्ट करता है, ये इसका बॉर्डर है, और ओवरऑल जो है ना ये शर्ट का है, और शर्ट के बाजुओं पे ये बॉर्डर आएगा, और ये इसका ओवरऑल में ट्राउज़र है, और इसका दुपट्टा जो था ना बहुत प्यारा था। मतलब मुझे ना ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं पसंद, मुझे बस ज़्यादा कलरफुल सा भी ना हो, तो डिसेंट सा हो। तो ये देखें दुपट्टा इसका जो है ना बहुत प्यारा है, और बॉर्डर बने हुए हैं ऐसे, दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा था, और लाइट वेट है। जो आजकल दुपट्टे चल रहे हैं ना, मतलब शिफॉन टाइप भी नहीं है, हैं भी लॉन के, लेकिन वो दिखने में लगता है कि शिफॉन के, तो ये बहुत मजे का एक सूट था। ये इसका कैटलॉग है, और एक ये वाला इसका, ये भी बहुत अच्छा है। आप बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा है, इसको जरा मैं साइड पे कर दूँ। तो अच्छा, कपड़ों में, कपड़े मेरे ना कमज़ोरी हैं, कपड़े में देखो ना तो मेरा दिल करता है बस ले लूँ। ये ओवरऑल है, आजकल प्रिंट इतने इन नहीं है, बस ओवरऑल चल रहा है। इसका सामने से कलर थोड़ा सा ना कैमरे में जो है थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन इसका ना बहुत प्यारा कलर है, क्या कहना चाहिए, रस्ट सा कलर जो होता है ना वो वाला कलर है, ऑरेंज नहीं है। वीडियो में आई थिंक ये ऑरेंज आ रहा है, लेकिन सामने से ना इसका बहुत प्यारा है, ये देखें। तो इसका बॉर्डर है,
ये शर्ट के नीचे का बॉर्डर है और ये स्लीव्स के नीचे का बॉर्डर है। तो इसका भी ना कलर सामने से बहुत प्यारा है, कैमरे में ये ऑरेंज आ रहा है लेकिन ये ऑरेंज नहीं है, बहुत प्यारा है। ऑरेंज से थोड़ा डार्क कलर जो होता है ना वो है। ये इसके स्लीव्स हैं। इसका भी दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा लाइट वेट है और बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, इस तरह से है। फैंसी थोड़ा सा दुपट्टा है इसका लेकिन है प्यारा। ये देखें इसका दुपट्टा भी जो है ना वो फ्लावर फ्लूअर नहीं है, मुझे ना इस तरह के दुपट्टे पसंद हैं। और बॉर्डर इसका ये देखें इस तरह से, तो ये दुपट्टा बहुत प्यारा था इसका। और ये इसका ट्राउज़र है। अच्छा ट्राउज़र का कलर भी लाइट आ रहा है बट ये जो कलर इसके अंदर स्किन है ना वही इसके ट्राउज़र का कलर है। तो आप दोनों, आपको मेरे इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टिच करो जब स्टिच होंगे ना फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से स्टिच करवाती हूँ। तो और भी छोटी मोटी शॉपिंग की थी लेकिन मेन जो थे वो मैंने ये वाले दो ड्रेसेस बाय किए थे। और अभी एक शादी की जो है वो मैंने अपनी सिस्टर की शादी की शॉपिंग करनी है स्टार्ट। अच्छा ये देखें अब इसका कलर आ रहा है, जो अभी आपको इसका कलर नजर आ रहा है ना ये वाला इसका कलर है। और ये बहुत मजे का सूट है, ये देखें इस तरह से, इस तरह से। तो इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।